हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णु दत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो एसएससी सीएचएसएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर हैं उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं जो एसएससी सीएचएसएल के 2016 के क्वेश्चंस हैं वो लेकर आया हूँ। ये हमारा इस सीरीज का पार्ट वन होगा। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में रिपीट हो सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चंस हैं जो फास्ट रिवीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, इनमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी कम होगी। और अगर आप एक्सप्लेनेशन टाइप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने सीएचएसएल की जो एमसीक्यू सेट की सीरीज स्टार्ट की है, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज, पूछा गया सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी, आंसर होगा फोरट्रान लैंग्वेज। नेक्स्ट, बैरोमीटर वॉज इन्वेंटेड बाई, जो बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, सही आंसर होगा एवेंगलिस्ता टोरिसिली। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी होती है, आंसर स्किन। डेलोनिक्स रेगिया रेफिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, डेलोनिक्स रेगिया रेफिन किस चीज़ का वैज्ञानिक नाम है, आंसर गुलमोहर। अमीबा बिलोंग्स टू विच फाइलम, अमीबा कौन से फाइलम से, कौन सी प्रजाति से बिलोंग करता है, आंसर प्रोटोजोआ। विच वन इज द वाइट फॉस्फोरस, पूछा गया इनमें से कौन सा वाइट फॉस्फोरस है, आंसर होगा P4, यानी जो P4 सिंबल है वो वाइट फॉस्फोरस का होगा। एल्कली मेटल्स कैन, पूछा गया है जो एल्कली मेटल्स होती हैं पीरियोडिक टेबल में उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, आंसर होगा ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स, एल्कली मेटल्स जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क इज इन, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है कहाँ पे है, आंसर सिक्किम में। द कर्मा डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट, जो कर्मा डांस फॉर्म है कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, आंसर होगा मध्य प्रदेश। इफ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीजेज फ्रॉम P1 टू RS 25, ये एक इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है जिसमें जो प्राइस आर्टिकल का वो P1 से 25 रुपीज कर दिया गया और डिमांड जो है वो 900 यूनिट से 1200 यूनिट कर दी गई है, वो इंक्रीज हुई है, प्राइस डिक्रीज हुआ है। तो पूछा गया पॉइंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होता है हिंदी में लोच, उसकी डिमांड बताई गई है -2, तो P1 की वैल्यू पूछी गई जो शुरू में है, तो इसका आंसर आएगा RS 30, जो शुरू में प्राइस था वो 30 रुपीज़ था। विच वन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ लेसिज फेरे सिस्टम, लेसिज फेरे सिस्टम का इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है, आंसर होगा नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये मतलब इसमें गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती इस सिस्टम में। सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इज इंडिकेटेड बाई एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग, पूछा गया है जो किस चीज़ की एक्सेसिव ग्रोथ से सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इंडिकेट होता है, आंसर होगा लाइकिन की। Evidence suggests that life on Earth has existed for about how many years? पूछा गया है जो evidence होते हैं, सबूत बताते हैं कि Earth पे life कितने सालों से है, आंसर होगा 3.5 billion years, मतलब 3.5 billion years से Earth पे life है। Hollywood is located in, Hollywood कहाँ पे located है, आंसर होगा California, USA। विच इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, इंडिया में सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH 44। Which among the following is not a dwarf planet? पूछा गया dwarf planet कौन सा नहीं है, आंसर होगा मार्स। ओके, मार्स dwarf planet नहीं है, और कुछ dwarf planet के नाम है मेकमेक, प्लूटो और इरिस। Battle of Panipat was fought in 1526 between Babur and which ruler? जो पानीपत का पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, वो बाबर और किन के बीच हुई, आंसर होगा इब्राहिम लोधी। In which year was Indian Navy Act passed? जो इंडिया का नेवी एक्ट है कौन से साल में पास हुआ, आंसर होगा 1927। Pulitzer Prize was established in, जो Pulitzer नाम का इंटरनेशनल प्राइज है कौन से साल में शुरू हुआ, आंसर होगा 1917 में। An object at rest will remain at rest and object object in motion will remain in motion until the
इट इज एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। पूछा गया है एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अगर जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता तो इसको क्या बोलते हैं हम? तो आंसर होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये न्यूटन का पहला मोशन का नियम है। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट एंड देर इज नो एयर रेजिस्टेंस। पूछा गया अगर किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से ड्रॉप किया जाता है और एयर का कोई रेजिस्टेंस या फोर्स नहीं है तो इसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट के साथ? आंसर होगा इट्स स्पीड विल इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ PM ऑफ इंडिया? पूछा गया जो इंडिया के PM है उसकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? आंसर नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं होती, कितनी भी एज तक PM बने रह सकते हैं। इन केस स्टेट इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इट नीड्स पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर एवरी। पूछा गया अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो हर एक कितने टाइम बाद अप्रूवल लिया जाता है पार्लियामेंट का? आंसर होगा आफ्टर एवरी 6 months, हर 6 महीने बाद। अजीत बजाज इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? अजीत बजाज हैं जो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? आंसर होगा एडवेंचर स्पोर्ट्स, जो साहसिक खेल होते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक मिलियन म्यूटिनीज नाउ? आंसर होगा इस बुक के ऑथर का नाम पूछा गया, आंसर होगा VS नाइपुल। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स फॉर्म से, जो 4 बिट्स का ग्रुप है वो क्या बनाता? आंसर होगा एक निबल। बैरोग्राफ वॉज इन्वेंटेड बाई, बैरोग्राफ की डिस्कवरी किन के द्वारा की गई? आंसर लुसियन विदी। डायबिटीज इज कॉज्ड बाई, जो डायबिटीज की बीमारी है किसके द्वारा कॉज किया जाती है? आंसर लो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, जो इंसुलिन हार्मोन है उसकी कम प्रोडक्शन होती है तब। टेक्टोना ग्रैंडिस लिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, जो टेक्टोना ग्रैंडिस लिन है किस चीज़ का वैज्ञानिक नाम है? आंसर टीक, टीक का जो प्लांट होता है सागून का प्लांट। सी एनिमोन्स बिलोंग्स टू द फाइलम, जो सी एनिमोन्स होते हैं समुद्री कीड़े कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? आंसर होगा निडारिया। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम, जो किसी एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? आंसर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। एलिफेंटा केव्स इज इन, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? आंसर महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया, पूछा गया कौन सी एक जो नॉर्थ इंडिया की क्लासिकल डांस की फॉर्म है? आंसर कथक डांस। ये एक इकोनॉमी का फिर से न्यूमेरिकल आया है, इफ डिमांड करो ऑफ कैंपिंग टेंट्स इज डी इक्वल टू 100,000 - 7P। डिमांड करो का फॉर्मूला दिया गया है और सप्लाई करो का फॉर्मूला दिया गया 50,000 + 8P। पूछा गया इक्विलिब्रियम प्राइस कितना होगा, तो इसका सही आंसर निकाला जाएगा डिमांड करो और सप्लाई करो को इक्वल करके ₹2,000। वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इज इट्स, पूछा गया किसी भी देश में जो टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उसकी वैल्यू को क्या बोलते हैं? आंसर होगा GDP, उस कंट्री का GDP बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन रिवर्स इज क्लोज टू हाउ मैनी पार्ट्स पर मिलियन, पूछा गया है जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है रिवर्स में नदियों में कितने पार्ट्स पर मिलियन होती है? आंसर होगा 5 PPM, 5 parts per million। विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द कॉमन वाटर हायसिंथ, जो कॉमन वाटर हायसिंथ है उसका दूसरा नाम क्या होता है, किस नाम से भी इसको जाना जाता है? ऑप्शन होगा इकोर्निया। नेक्स्ट, रुक्मिणी देव अरुंधले इज एसोसिएटेड विद, जो रुक्मिणी देवी अरुंधले हैं वो किस चीज़ से लिंक्ड है? आंसर होगा भरतनाट्यम, वो एक भरतनाट्यम डांसर है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर ए कॉमन बॉर्डर विद हरियाणा, हरियाणा के साथ कौन सा स्टेट बॉर्डर शेयर नहीं करता? आंसर होगा मध्य प्रदेश, जो UP हिमाचल प्रदेश और राजस्थान है ये सब हरियाणा से बॉर्डर टच करते हैं। विच प्लेनेट इज रेफर टू एज ड्वार्फ प्लेनेट, ड्वार्फ प्लेनेट बोना ग्रह किसको बोलते हैं? आंसर होगा प्लूटो। हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, फाउंडेड इज 1828, ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में की गई उसके फाउंडर कौन है? आंसर होगा राजा राम मोहन राय।
शाहजहाँ बिल्ट ताजमहल इन मेमोरी ऑफ होम। शाहजहाँ ने ताजमहल को किसकी मेमोरी में बनवाया, किसकी याद में? आंसर मुमताज महल, जो उनकी वाइफ थी। विच एक्टर वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड इन फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड्स। पहले जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हुए उनमें सबसे पहला बेस्ट एक्टर कौन चुना गया? आंसर दिलीप कुमार। विच वन इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से फिजिकल क्वांटिटी है जो, उनमें स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? आंसर यंग्स मॉडुलस। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे एक लिक्विड फॉर्म में होता है? आंसर होगा मरकरी HG, जो एक मेटल है, और अगर नॉन मेटल पूछी जाए तो वो है ब्रोमिन, जो लिक्विड स्टेट में होती है रूम टेम्परेचर पे। हाउ मैनी मैक्सिमम टर्म्स ए पर्सन कैन सर्व एज PM ऑफ इंडिया, पूछा गया है कितनी टर्म तक, कितनी बार मतलब PM चुना जा सकता है इंडिया का कोई भी पर्सन? आंसर होगा नो लिमिट, कितनी भी बार चुना जा सकता है, इस पर कोई लिमिट नहीं है। इफ प्रेजिडेंट डिक्लेयर्स एमरजेंसी, देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, अगर प्रेजिडेंट एमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो पार्लियामेंट को कितने समय बाद अप्रूव करना पड़ता है इसकी प्रोक्लेमेशन है जो डिक्लेरेशन है, तो आंसर होगा 6 मंथ, हर एक 6 मंथ के बाद पार्लियामेंट को ये अप्रूव करनी पड़ती है। दीपिका कुमारी इज एसोसिएटेड विद, जो दीपिका कुमारी हैं वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है? आंसर है आर्करी, जो तीरंदाजी का गेम होता है। दी अर्थशास्त्रा वाज रिटन बाई, जो अर्थशास्त्रा की बुक है वो किनके द्वारा लिखी गई? आंसर है चाणक्य, जिनका नाम कौटिल्य भी है और उनको विष्णुगुप्त भी बोलते थे। वेब पेजेज आर क्रिएटेड बाई यूजिंग विच ऑफ फॉलोइंग, जो वेबसाइट के वेब पेजेज होते हैं किसके चीज के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, किसका यूज करके? आंसर HTML, जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सिस्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाई, सिस्मोमीटर की जो डिस्कवरी है जिससे हम अर्थक्वेक को नापते हैं किसके द्वारा की गई? आंसर होगा लुइगी पाल्मेरी। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग कॉजेज नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, किस चीज़ की कमी से हमारा खून जमता नहीं है, यानी नॉन क्लॉटिंग जमता नहीं है जिसकी कमी से? आंसर विटामिन के की कमी से। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन प्लांट्स इज नोन एज, प्लांट्स में एनर्जी को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आंसर फोटोसाइंथेसिस, हिंदी में प्रकाश संश्लेषण। विच वायरस कॉजेज चिकन पॉक्स, कौन सा वायरस है जिसके कारण चिकन पॉक्स की बीमारी होती है? आंसर हर्प्स जोस्टर वायरस। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन है? एंडोथर्मिक मीन्स जो एनर्जी रिलीज करती हैं। आंसर स्वीटिंग, जो हमारा पसीना बाहर निकलता है। नेम द कैटलिस्ट यूज इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इंटू कर्ड, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाले कैटलिस्ट का नाम बताइए। आंसर होगा लैक्टोज कैटलिस्ट। बीबी का मकबरा वाज बिल्ट बाई, बीबी का मकबरा जो मोनूमेंट है वो किनके द्वारा बनवाया गया? आंसर औरंगजेब के द्वारा। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बोडो लैंग्वेज इज प्राइमरली स्पोकन, जो बोडो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में बोली जाती है, कहाँ की वो प्रथम भाषा है? आंसर आसाम में। ये फिर से न्यूमेरिकल आ इकोनॉमी का, एक कंपनी फेसिज ये वन ही है ए, 2.5 प्राइस इलास्टिसिटी जो कि नेगेटिव है, ये डिमांड की है, और जो सेलिंग है वो प्रेजेंट में वो 10,000 यूनिट्स को कर रही है, और जो क्वांटिटी को वो बढ़ाना चाहती है वो 6% और बढ़ाना चाहती है, तो प्राइस में कितनी कमी करनी होगी? तो इसका आंसर होगा 2.40% जो है उसको प्राइस अपना कम करना होगा। वाट डज BOD5 रेफर्स टू, BOD5 का क्या मीनिंग है? आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। लवरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड, जो हम किसी भी देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू को कम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर कंट्रीज करेंसी, तो उसको क्या बोलते हैं? आंसर होगा डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। कान्हा नेशनल पार्क सेविंग द रेट एंड ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज ऑफ द स्वैम्प डियर ऑल्सो नोन एज, पूछा गया कान्हा नेशनल पार्क जहाँ पे जो स्वैम्प डियर होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है उनकी स्पीसीज को, तो इन स्वैम्प डियर को और किस नाम से बोला जाता है? आंसर होगा बारा सिंगा। विच इज द हाइएस्ट ग्रोसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम, जो अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी कौन सी रही है? आंसर होगा अवतार मूवी।
विच स्टेट इन इंडिया हैज लार्जेस्ट कवर एरिया ऑफ फॉरेस्ट, कौन सा इंडिया का स्टेट है जहाँ पे लार्जेस्ट एरिया है जो फॉरेस्ट का, आंसर होगा मध्य प्रदेश। लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसका सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, आंसर होगा 21 जून, और ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा भी होता है 21 जून को। वर्ल्ड वार वन ब्रोक आउट इन द ईयर, जो पहला विश्व युद्ध है वो कब शुरू हुआ, आंसर होगा 1914 में। नेम द पोएट हु रोट पृथ्वीराज रासो ए पोएम डिस्क्राइबिंग पृथ्वीराज चौहान्स लाइफ, जो पृथ्वीराज रासो नाम की पोएम है वो किनके द्वारा लिखी गई, जो इस पोएम में पृथ्वीराज चौहान की लाइफ को डिस्क्राइब किया गया, आंसर होगा चंद्रबरदाई के द्वारा। हु इज द 2016 ऑस्कर विनर फॉर बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस, पूछा गया है जो 2016 के ऑस्कर अवार्ड मिले थे वो कौन से एक्ट्रेस को मिले स्पोर्टिंग रोल में, आंसर होगा एलिसिया विकेंडर। देखिए जी, मैं 2016 के क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसलिए ये उसी टाइम का क्वेश्चन है। अगर आप करंट के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वो मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या गलत है इनमें से, आंसर होगा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू से ग्रेटर नहीं होती। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसी भी एक्शन के लिए एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है उसकी, इसको क्या बोला जाता है, आंसर होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द गवर्नर टेक्स द ऑथ ऑफ ऑफिस बाई, जो किसी स्टेट का गवर्नर होता है वो उनको ऑथ किनके द्वारा दिलाई जाती है, आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा। विच फंडामेंटल राइट वाज एबोलिश्ड बाई द 44th अमेंडमेंट, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा किस फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, आंसर होगा राइट टू प्रॉपर्टी, जो पहले फंडामेंटल राइट होता था उसके बाद में अब एक सिर्फ लीगल राइट रह गया है। इन विच स्पोर्ट ऑफ एशियन गेम्स इंडिया हैज वन मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स, एशियन गेम्स में इंडिया ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस गेम में जीते, आंसर होगा एथलेटिक्स में। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टनी इज ए बायोग्राफी ऑफ, जो ये बुक है किसकी बायोग्राफी है, आंसर होगा सोनिया गांधी की। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से पूछा गया कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और जो विंडो विस्ता है, लाइनेक्स है और एप्पल्स मैक ओएस है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वेन डायग्राम वाज इन्वेंटेड बाई, वेन डायग्राम की डिस्कवरी किनके द्वारा की गई, आंसर होगा जॉन वेन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, जो हमारा मानव का शरीर होता है सबसे जो टोटल हड्डियाँ होती हैं कितनी होती हैं, आंसर होगा 206, और जो बेबी होते हैं उनमें 300 बोन्स होती हैं। एम्बलिका ऑफिसिनलिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, जो एम्बलिका ऑफिसिनलिस है वो किस चीज़ का वैज्ञानिक नाम है, आंसर होगा आंवला, जो आंवला होता है हमारा। स्पॉन्ज बिलोंग्स टू द फाइलम, स्पॉन्ज कौन से फाइलम कौन सी प्रजाति से बिलोंग करता, आंसर पोरीफेरा फाइलम से। रिलीज ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग इज द प्राइमरी रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन की हमारी एटमोसफियर में लेयर है उसके डिप्लीशन के लिए कौन सा किस चीज़ की जो रिलीज है, क्या चीज़ उत्पन्न हो रही है जो प्राइमरी रीजन है इस चीज़ का, तो आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन लेयर के लिए डिप्लीशन के लिए उसके उत्तरदायी है, CFC बोलते हैं इसको। विच ऑफ फॉलोइंग मोलिक्यूल्स इज ज्वाइंड बाई ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें से कौन से एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है जिसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, तो यह है ऑक्सीजन O2, इसमें ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। द रिनाउंड टेम्पल एट रनकपुर इज ए, जो एक फेमस टेम्पल है रनकपुर में वो किस तरह का टेम्पल है, आंसर होगा जैन टेम्पल, ये एक जैन धर्म का टेम्पल है। जलीकाटू इज एसोसिएटेड विद, जो जलीकाटू का जो त्यौहार है या जो फेस्टिवल है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, आंसर होगा पोंगल, पोंगल फेस्टिवल से, जो साउथ इंडिया का एक फेस्टिवल है। नेक्स्ट, ये फिर से इकोनॉमी का एक न्यूमेरिकल आया है, इसमें प्राइस ऑफ आर्टिकल डिक्रीज किया गया है 12 रुपये से 10 रुपये, और क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसको इंक्रीज किया गया 1000 यूनिट से 1400 यूनिट्स, तो पूछा गया पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी,
तो इसका आंसर होगा 2.4 नेगेटिव में, जो पॉइंट इलास्टिसिटी है जो वो डिक्रीज होगी इसमें। हु जनरली प्रेजेंट्स द फाइनेंस बजट इन द इंडियन पार्लियामेंट, पूछा गया जो पार्लियामेंट है इंडिया की उसमें बजट को कौन प्रेजेंट करता है, आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। विच गैस कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो पृथ्वी का जो अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है प्रोड्यूस, उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, आंसर होगा वाटर वेपर्स। कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट विच एनिमल, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कौन से एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए बनाया गया, आंसर होगा बंगाल टाइगर्स को। सुब्रमण्या भारती वाज ए नोटेड, सुब्रमण्या भारती जी एक फेमस क्या थे, ये आंसर होगा पोएट, ये एक कवि थे। विच स्टेट डज नॉट शेयर ए कॉमन बॉर्डर विद छत्तीसगढ़, पूछा गया कौन सा ऐसा स्टेट है जो छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और जो उड़ीसा है, झारखंड है और महाराष्ट्र है, वो छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से इनकी बाउंड्री टच होती है। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताना, पूछा गया इसमें, आंसर होगा गंगा रिवर। और गंगा रिवर जो है ये 2525 किलोमीटर लॉन्ग है। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन वाज लॉन्च बाई महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के द्वारा किस साल में, ये किस ईयर में चलाया गया आंदोलन, आंसर होगा 1942 में। विच फ्रीडम फाइटर एड्रेस्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन फॉर फर्स्ट टाइम, पूछा गया है कौन से ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला था, आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेम द फर्स्ट इंडियन हु गॉट नोबल प्राइज इन फिजिक्स, ऐसे पहले इंडियन का, भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने फिजिक्स के फील्ड में नोबल प्राइज जीता, आंसर होगा सीवी रमन। विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड इन साइमंस, जो साइमंस है यूनिट है, जो इस यूनिट में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, आंसर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, जो विद्युत चालकता होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, जो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज है उसको क्या बोलते हैं, आंसर होगा फोर्स, इसको फोर्स बोलते हैं। विच वन अमंग फॉलोइंग इज नॉट द एम्स ऑफ लोकसभा, पूछा गया इन सब में से कौन सा ऐसा एम है जो लोकसभा का एम नहीं है, आंसर होगा गिव द पावर टू रूल इन हैंड्स ऑफ कॉमन मैन, कॉमन मैन के हैंड में जो पावर देना रूलिंग करने की। व्हाट इज द सैलरी पर मंथ ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी पूछी गई है, आंसर होगा 5 लाख पर मंथ। और ये पहले जब 2016 का ये क्वेश्चन है उस समय पे जो सैलरी थी वो 1.5 लाख थी प्रेजिडेंट की, और करंट में सैलरी 5 लाख है। शीतल महाजन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, जो शीतल महाजन जी हैं कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं, आंसर स्काई ड्राइविंग से। हु इज द ऑथर ऑफ बुक ए सुटेबल बॉय, ए सुटेबल बॉय नाम की बुक के लेखक कौन है, आंसर होगा विक्रम सेठ जी। तो यहाँ पे हमने जो 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ये हमारा फास्ट रिवीजन था, और ये जो एग्ज़ाम होगा अभी अगस्त में CHSL का, उससे पहले काफ़ी यूजफुल होंगे ये क्वेश्चंस, और आपके रिवीजन में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे आपके लिए। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं हम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर मोर वीडियोज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो वीडियो को समाप्त करते हैं और बाकी के क्वेश्चंस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।